दोस्तों कहते हैं कि जब आप बताती तो बता करने आती, घरों में यूं तो कई तरह के हादसे हो जाते हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो निशब्द कर जाते हैं और घर वालों के साथ साथ दूसरे के दिल को डरा देते हैं। ऐसा ही एक हादसा वीडियो में कैद हो गया जिसमें परिवार के बच्चे बाल बाल बचे। दोस्तों वियतनाम का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा जिसमें जमीन पर बैठकर एक साथ डिनर करते परिवार पर एक ऊपर से पंखा गिर पड़ा। हादसे का ये वीडियो इतना ज़बरदस्त है कि देखने वाले भी एक बार की डर गए। वायरल होग न्यूज चैनल द्वारा इस वीडियो को जब यूट्यूब पर पोस्ट किया गया तो वीडियो वायरल हो गया और बताया जा रहा कि वीडियो जुलाई का और यह हादसा BAC-99 वियतनाम में घटा है। दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक परिवार जिसमें चार बच्चे शामिल है जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। अचानक तेज आवाज़ होती है, बाकी लोग तो ध्यान नहीं देते लेकिन सबसे छोटा बच्चा ऊपर की तरफ देखता है। फिर अचानक तेजी से ऊपर से लोहा का भारी भरकम पंखा परिवार के ऊपर धड़ाम से गिरता है। दोस्तों पंखा इस तरह से गिरता है कि उसकी पंखुड़ियाँ छोटे और बड़े बच्चे के बीच में आती है। एकदम से हुए इस हादसे में परिवार के लोग घबराते और चिल्लाकर माँ सबसे छोटे बेटे के पास से पहुँच जाती है ये चेक करने के लिए कि उसके सिर पर चोट तो नहीं लगी। इस बीच एक और बच्चा उठकर दूर जा खड़ा होता है। दोस्तों सब लोग ऊपर की तरफ देखकर हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन संयोग यही कि इतना बड़ा पंखा गिरने के बाद किसी को चोट नहीं आई और सभी बाल बाल बच गए। फिर पिता उठकर गिरे हुए पंखे को उठाकर एक जगह रख देते हैं और माँ सामने लगे कूलर को खोल देती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को तुरंत लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।